हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल टेक्सटाइल एडवाइजर पर। आज हम डिस्कस करेंगे कि किसी वीवोवन फैब्रिक का कवर फैक्टर कैसे निकाला जाता है दोस्तों, और कवर फैक्टर का क्या इम्पोर्टेंस होता है। तो इसके पहले कि मैं डिस्कशन शुरू करूं, मैं आप सभी लोगों से निवेदन करूंगा कि यदि अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साइड में लगा हुआ बेल आइकन दबा दीजिए, जिससे कि हमारे आने वाले अपकमिंग वीडियोस आप तक पहुंचते रहें। तो दोस्तों, कवर फैक्टर का क्या इम्पोर्टेंस होता है दोस्तों, और कवर फैक्टर होता क्या है? तो दोस्तों, कवर फैक्टर जो होता है वो आपको बताता है कि आपकी किसी भी धागे की बार्क में या वेफ्ट में या टोटल में जो मैक्सिमम वीवेबिलिटी क्या है, यानी कि कितने ईपीआई चला सकते हैं उस कपड़े में, कितने पीपीआई चला सकते हैं उस कपड़े में, और कौन सा यार्न काउंट चला सकते हैं, कौन से यार्न काउंट के ऊपर कितने एपीआई पीपीआई चला सकते हैं। तो उससे हमें एक पॉसिबिलिटी पता लग जाती है। कभी कोई आपसे कहे कि इतने रेट पिक का कपड़ा बना दीजिए या इतनी एपीआई पीपीआई का कपड़ा बना दीजिए आप, ये काउंट रहेगा बार्क में और वेफ्ट में। तो दोस्तों, उससे हम इजीली एक कैलकुलेशन से चेक कर सकते हैं कि ये कपड़ा बनाना पॉसिबल है कि नहीं है बिफोर गोइंग टू वीव द फैब्रिक। अगर आपने कैलकुलेट नहीं किया और आपने बीम बनवा लिया और वो कपड़ा नहीं बन पा रहा है, फिर क्या करेंगे आप? प्रॉब्लम में फंस जाएंगे और वो कपड़ा नहीं बनेगा, आपका बीम रिजेक्ट हो जाएगा, धागा वेस्ट हो जाएगा, आपको हैवी लॉस हो सकता है। या आपसे कोई कह रहा है कि नहीं, बाहर से कोई कहता है कि ये तो हमारा कपड़ा वहां पर बन रहा है, उस मिल में बन रहा है, उस मिल में बन रहा है, और बट आप बना रहे हो तो आपका बन ही नहीं पा रहा दोस्तों। तो क्यों नहीं बन पा रहा है वो आप चेक कर सकते हैं जो कवर फैक्टर की सहायता से। आप कैलकुलेट करिए उस रीड पे, उस बार काउंट, उस वेब काउंट के ऊपर आप कवर फैक्टर कैलकुलेट करिए, तो आपको तुरंत ही पता लग जाएगा कि आपका कवर फैक्टर कहीं पे ज्यादा तो नहीं आ रहा मैक्सिमम से। अगर मैक्सिमम से ज्यादा आ रहा तो इसका मतलब ये है कि जो उस कपड़े की उस रीड पिक के ऊपर या उस ईपीआई बीपीआई के ऊपर और उस बार काउंट वेब काउंट के ऊपर बीबिंग इम्पॉसिबल है। आप उसको कैलकुलेशन की सहायता से समझा सकते हैं। आप पोलाइटली और जेंटली आप अपने कंज्यूमर से बोल सकते हैं कि भाई देखो, ये कपड़ा आपका टेक्निकली पॉसिबल नहीं है, और ये मैं आपको कैलकुलेशन भी भेज रहा हूँ, आप चेक कर सकते हैं, या आप अपने किसी टेक्निकल आदमी को चेक करा सकते हैं दोस्तों। तो ये होता है कवर फैक्टर का इम्पोर्टेंस, और बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है ये। तो दोस्तों देखिए कैसे निकालते हैं। तो जैसा कि आप स्क्रीन के माध्यम से देख पा रहे हैं दोस्तों, ये यहाँ पे डेटा दिए हुए हैं कि कौन कौन से डेटा आपको चाहिए दोस्तों। ये यहाँ पे देखिए, आपको बार काउंट चाहिए, वेब काउंट चाहिए, एड्स पर इंच चाहिए, पिक्स पर इंच चाहिए। तो दोस्तों, बार काउंट किस में होना चाहिए? एनी में होना चाहिए। एनी मतलब न्यू इंग्लिश सिस्टम में होना चाहिए। तो ये जो बार काउंट है उसको हमने डिनोट किया हुआ है एनी बार, वो कितना है आपका 40 काउंट है। वेब काउंट को डिनोट किया हुआ है हमने आपको एनी वेब से, वो कितना आपका 40 है। एक्स पर इंच कितने हैं 110 है, पिक्स पर इंच कितना है 90 है। तो दोस्तों अब हम इसको यहाँ पे निकालेंगे। सबसे पहले हम बार कवर निकालेंगे, सेपरेट सेपरेट निकालते हैं। सबसे पहले बार कवर निकालेंगे, फिर वेफ्ट कवर निकालेंगे, फिर इन बार कवर और वेफ्ट कवर की सहायता से क्लॉथ कवर निकालेंगे। तो दोस्तों ये के है कि जो कवर है उसको हमने डिनोट किया हुआ के से, और ये बार, तो ये हो गया आपका बार कवर। तो बार कवर इज इक्वल टू, और के बार इज इक्वल टू ईपीआई डिवाइडेड बाई अंडर रूट एन ई बार। तो इसमें हम वैल्यू पुट कर देंगे, ईपीआई 110 हो गए और आपकी बार काउंट हो गई कितनी 40 हो गई, अंडर रूट 40। और इसको जब सॉल्व करेंगे तो इट विल कम 17.40। तो दोस्तों ये आपका निकल के आ गया बार कवर। अब हम निकालेंगे वेफ्ट कवर दोस्तों। तो वेफ्ट कवर के वेफ्ट इज इक्वल टू पीपीआई मीन्स पिक्स पर इंच डिवाइडेड बाई अंडर रूट एनी वेफ्ट, ये कितना हो जाएगा आपको इज इक्वल टू 90 अपॉन अंडर रूट 40
इट विल बी इक्वल टू 14.24। तो ये क्या निकल गया आपका, ये आएगा आपका वेफ कवर। तो दोस्तों अब यहां से आपको क्या मिल गया, बाथ कवर भी मिल गया, वेफ कवर भी मिल गया। तो यहां पर देखिए आप, अब आपको क्या निकालना है, क्लॉथ कवर निकालना है दोस्तों। तो क्लॉथ कवर का जो फॉर्मूला मैंने आपको यहां पे दिखाया हुआ है, क्लॉथ कवर इज इक्वल टू के बार प्लस के वेफ, मतलब बाथ कवर प्लस वेफ कवर माइनस के बार इंटू के वेफ अपॉन 28। के बार मतलब बाथ कवर, के वेफ मतलब वेफ कवर डिवाइडेड बाय 28। अब इसमें हमने जो जो वैल्यू प्राप्त करी है अभी ऊपर, बार कवर की और वेफ कवर की, मींस के बार की और के वेफ की, तो यहां पे हमने के बार रख दिया प्लस के वेफ माइनस के बार इंटू के वेफ, ये हो गया के बार इंटू के वेफ, यानी कि 17.40 इंटू 14.24 डिवाइड बाई 28। हम इसको जब सॉल्व करते हैं दोस्तों, तो ये निकल के आता है आपका 31.64 माइनस 8.84। तो दोस्तों आपका जो क्लॉथ कवर आएगा वो आएगा आपका 22.80। तो देखिए ये जो आया है आपका, अब इसमें आपको क्या करना होता है कि जो आपका बी फैक्टर होता है उससे आपको यहाँ पर मल्टीप्लाई करना होता है। जैसे 22.80 आया है, अगर ये आपका कपड़ा प्लेन बी और वन अप वन डाउन है, तो इसमें आप वन का गुणा करेंगे, और जब वन का गुणा करेंगे तो ये वैल्यू चेंज नहीं होगी, तो आपका प्लेन कपड़े के लिए जो भी ये जो निकल के आ रहा सेम रहेगा बी फैक्टर से गुणा करने के बाद, क्योंकि आपका बी फैक्टर है वन। तो दोस्तों यदि यहाँ पर आपकी बीम दूसरी है, सपोज करिए ट्विल है, साइटन है, मैड बीम है, अगर इस तरीके की बीम है तो यहाँ पर फिर क्या होगा, जब बी फैक्टर से गुणा करेंगे तो ये वैल्यू चेंज हो जाएगी। तो दोस्तों ये आपको ध्यान रखना पड़ता है। यहाँ पर देखिए मैंने दिखाया हुआ है कि बी फैक्टर आल्सो अफेक्ट द क्लॉथ कवर इन दिस फॉर्मूला, द बी फैक्टर इज वन फॉर प्लेन बीम। तो दोस्तों अब आप पूछेंगे कि साइटन का कैसे निकालेंगे, या ट्विल बीम का कैसे निकालेंगे, या मैड बीम का कैसे निकालेंगे। तो दोस्तों कुछ नहीं करना है आपको, सीधा सीधा यही प्रोसीजर अपनाना है, और उसके बाद में जो बीम फैक्टर होते हैं, मैं आपको कुछ पॉपुलर जो बीम्स होते हैं उसके बीम फैक्टर आपको इस टेबल में दिखा रहा हूं। तो आप कुछ नहीं करना है, इन बी फैक्टर का गुणा कर देना। सपोज करिए आपका कपड़ा है ट्विल, आपका कपड़ा है ट्विल, तो ट्विल का बी फैक्टर कितना है, और वो ट्विल कितनी है, वन अप टू डाउन की ट्विल है, उसका बी फैक्टर है 0.87। तो अब यहां पे देखिए आप कि आपका ये निकल गया, सपोज करिए 22.80 आया, और ये कपड़ा है आपका वन अप टू डाउन की ट्विल है, वन अप टू डाउन की ट्विल है, इसमें 0.87 का और मल्टीप्लाई कर देंगे, और उसके बाद में जो आंसर आएगा यहाँ पे वो आपका क्लॉथ कवर फैक्टर आ जाएगा। तो दोस्तों अब दूसरा भी हो सकता है, आपका मैट बीम भी हो सकता है, वन अप थ्री डाउन ट्विल भी हो सकती है, आपकी साइटन भी हो सकती है। तो उसके लिए आपको ये टेबल में दिखाए हुए बी फैक्टर से गुणा करना होता है। तो देखिए दोस्तों ये बास्केट बीम 2x2 है, इसके लिए आपको 0.82 से गुणा करना पड़ेगा, ये वन अप थ्री डाउन की ट्विल है, इसमें आपको 0.77 से गुणा करना पड़ेगा। यदि आपकी सैटन है, वन अप फोर डाउन की सैटन है जो बहुत पॉपुलर होती है, तो उसके लिए आपको 0.69 से गुणा करना पड़ेगा। तो इस तरीके से आपका जो कवर फैक्टर है किसी भी का हो वो निकल के आ जाएगा दोस्तों। तो मैं समझता हूँ आप सभी लोगों को अच्छी तरीके से समझ में आया होगा दोस्तों। आप देख के बताइएगा मेरा वीडियो कैसे लगा। यदि आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, साइड में लगा हुआ बेल आइकन दबाएं, जिससे मेरे आने वाले अपकमिंग वीडियोज आप तक पहुंचते रहेंगे। धन्यवाद।